देख रहे हैं अलाइव 24 न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों पर। सबसे पहले देश विदेश की बड़ी खबरों पर एक नजर। बदल गया भारत का इतिहास, देश में अब 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश। आधी रात से अस्तित्व में आए 2 केंद्र शासित प्रदेश, हुए 15 बदलाव। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि, आज पीएम मोदी ने दी श्रद्धांजलि। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 144वीं जयंती, आज प्रधानमंत्री ने दी श्रद्धांजलि। पीएम मोदी बोले, 370 ने कश्मीर को सिर्फ आतंकवाद दिया, सरदार के आशीर्वाद से हमने हटाया। राष्ट्रीय एकता दिवस पर अमित शाह ने रन फॉर यूनिटी को दिखाई हरी झंडी, कहा 370 हटाकर पटेल का सपना पूरा किया। सीएम योगी आदित्यनाथ बोले, देश की एकता ने दुश्मनों को दिया माकूल जवाब। दिग्गज वामपंथी नेता और सीपीआई के पूर्व सांसद गुरुदास गुप्ता का निधन। संजय राउत ने कहा, शिवसेना का भाजपा के साथ रहना जरूरी, लेकिन आत्मसम्मान के साथ समझौता नहीं। अयोध्या विवाद पर आरएसएस बोली, सुप्रीम कोर्ट का फैसला सभी को खुले मन से स्वीकार करना चाहिए। नहाए खाए के साथ छठ की शुरुआत। सामने आया बगदारी के खात्मे का वीडियो, ठिकाने पर रेड करते दिखे यूएस कमांडो। पाक में कराची रावलपिंडी तेजगांव एक्सप्रेस ट्रेन में लगी भीषण आग, अब तक 16 की मौत। बांग्लादेश में विपक्ष के नेता को 3 साल की जेल, पीएम शेख हसीना को जान से मारने की दी थी धमकी। शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी को ट्विटर पर मिली जान से मारने की धमकी, एफआईआर दर्ज। सोनाली फोगाट को मिली जान से मारने की धमकी, बहन जीजा के खिलाफ केस दर्ज। पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी पर जानलेवा हमले और धोखाधड़ी का केस दर्ज। यूपी के वाराणसी में 2 बच्चों को जहर देकर दंपत्ति ने की आत्महत्या। शेयर बाजार में उछाल, 581 अंकों की बढ़त के साथ हुआ सेंसेक्स, निफ्टी 11,787 पर बंद। अब खबरें मनोरंजन जगत की। जलसा दिवाली बैश में ऐश्वर्या राय की मैनेजर की ड्रेस में लगी आग, शाहरुख खान ने बचाई जान। एसआरके की बहादुरी पर बोले सलमान, हीरो वो होते हैं जो आग में कूदकर जान बचाते हैं। लालू प्रसाद यादव के जीवन पर बन रही फिल्म लालटेन अगले साल फरवरी में होगी रिलीज। कंट्रोवर्सी के बीच हाउसफुल 4 ने 100 करोड़ रुपए का आंकड़ा किया पार। अक्षय की बायोपिक करना चाहते हैं विद्युत, कहा उनके और मेरे करियर में कई समानताएं। बाला में अपने लुक पर बोले आयुष्मान, मैं अपने दादा जैसा लग रहा था। देश और दुनिया की सबसे पहले खबर पाने के लिए हमारे अलाइव 24 न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।